अब इसके बाद वेरिएबल्स नाम का एक बनाते हैं कमांड, वेरिएबल्स एमबी डॉट गो। तो वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या वेरिएबल सपोर्ट करता है। वेरिएबल टाइप्स तो एक इंटीजर सपोर्ट करता है, स्टार्टिंग फॉर्म लाइक 1, 2, 3 से लेकर -1, 2, 3 तक, ठीक है, स्टोर इंटीजर होल नंबर्स, ठीक है। फ्लोट 32 कर सकता है, मतलब स्टार्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल सच एज 19.99 या फिर -20.22 ऐसा कुछ। स्ट्रिंग सपोर्ट कर सकता है, बूल सपोर्ट कर सकता है ट्रू या फॉल्स। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका जानते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे पैकेज मेन को डिक्लेयर कर देता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट पैकेज नहीं करना है यार, इम्पोर्ट कुछ और करना है यार, इम्पोर्ट यहाँ पे FMT इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फंक कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने फंक सैंपल राम वगैरह डाल देता हूँ अभी, ठीक है, राम वगैरह डाला मैंने। नंबर डालने के बाद फॉर फॉर एग्जाम्पल मैंने MB डाला और इसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया, और इसको इसकी जगह पे कुछ भी डाल दो यार सीरियसली, जैसे मैंने MBS डाल दिया, कुछ भी नाम डाल दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, अच्छा MBS डिक्लेयर बट नॉट यूज। यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो यार, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला इस तरह से, ओके ओके ओके, एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, एक और तरीके से वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे मैंने a कोलन इक्वल टू 2 यहाँ पे, इस तरह से भी एक वेरिएबल बना सकता हूँ मैं। अब मुझे प्रिंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल fmt डॉट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रिंट एक mb प्रिंट कर दिया और fmt, देखेंगे देखेंगे, अब इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है, इतना पहले प्रिंट किया, और यहाँ पे जाऊंगा गो डेटा की जगह पे, एक मिनट रुको, ठीक है, वेरिएबल्स बी डॉट गो, ओके, एज डिक्लेयर्ड इन द पैकेज, ओके, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मैं डालना है मेरे को फंक्शन का नाम मेरे ख्याल से यहाँ पे, ओके, मेन रीडिक्लेयर इन दिस ब्लॉक कोड, ओके, अदर डिक्लेरेशन ऑफ मेन कहाँ पे, कुछ एरर पता नहीं क्या एरर दिखा रहा है, इसको इग्नोर करो यार सीरियसली। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी डाला, मेन मेन तो दिखा रहा गलत, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आप देखोगे ना कोई बिना स्पेस के आ रहा है, अब स्पेस स्पेस नहीं आ रहा, तो प्रिंट का जब मैंने यूज किया तो प्रिंट एफ क्या करेगा, अब अगर मैं प्रिंट एफ में देखते हैं क्या करेगा, ये थोड़ा दिखाते हैं प्रिंट एफ क्या करेगा। प्रिंटफ को इग्नोर करोगे ना, तो प्रिंटफ को इग्नोर करोगे जब होवर करोगे तो इसमें क्या दिखाएगा प्रिंटफ के बारे में, प्रिंटफ अकॉर्डिंगली फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड एंड राइट टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स व्हेन एनी बाइट इग्नोर, वो कुछ इधर, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और रन कर लेता हूँ, प्रिंट एलन करना पड़ेगा मेरे, कहाँ पे प्रिंट एलन करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं प्रिंट एलन करूँ, अब देखोगे प्रिंट एलन करते हैं, ठीक है, अब दोनों में प्रिंट एलन कर दिया, अब देखोगे MBS आया एक में और टू, तो प्रिंट एलन अगर मैं जिस वाले में कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे किया, तो अगले वाले लाइन पे वहां पे वो न्यू लाइन आ जाएगा, मतलब इसके साथ एक न्यू लाइन आएगा नेक्स्ट राइटर, तो मैं नेक्स्ट राइटर करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर दूं चलेगा, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चलेगा, दोनों पे आ रहा है क्योंकि समझ गया ना यार, ये प्रिंट कर रहा हूँ तो अगली बार मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एमटी डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैंने फिर से एमबी किया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो जो कि मैंने यहाँ पे किया, तो इस बार मेरा वो दोनों साथ में आएगा, देखो 2 MBS, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने प्रिंट डाला था, प्रिंट में क्या होगा ना कोई न्यू लाइन विलन नहीं मिलेगा, प्रिंट एलन में क्या होगा ना तुमको एक न्यू लाइन मिलेगा कैरेक्टर जो कि हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, जब मैंने वो डेटा प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, जो अगली बार कोई भी आएगा तो वो उसके डंगले लाइन पे आएगा। और प्रिंट एफ में क्या है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यार प्रिंट एफ क्या कर रहा है, प्रिंट फॉर्मेट्स फॉर्मेट स्पीकर राइट टू अ स्टैंडर्ड आउटपुट रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न, ओके, तो यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, फंक्शन अलाउज टू फॉर्मेट नंबर्स वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग इन टू द फर्स्ट स्ट्रिंग पैरामीटर यू गिव इट, प्रिंट द कैन नॉट फॉर्मेट एनीथिंग, इट सिंपली टेक्स अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट, प्रिंट इज न्यू लाइन कैरेक्टर, देखा बोला ना सेम एज प्रिंट, हाउएवर इट विल अपेंड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड करता है। प्रिंट फॉर्मेटर क्या करता था, फंक्शन अलाउज यू टू फॉर्मेट नंबर वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग इनटू द फर्स्ट स्ट्रिंग पैरामीटर यू गिव, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग पैरामीटर यू गिव, तो यहाँ पे आप पैरामीटर भी है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में जाऊँ ना, प्रिंट में गया मैं यहाँ पे,
प्रिंट में गया तो यहाँ पे मेरा मेरे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देगा यार। और मैं प्रिंट पे गया, यहाँ पे गो टू रेफरेंस, गो टू डेफिनेशन में जाएंगे, प्रिंट देखो, यहाँ पे बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है इसने। क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे? प्रिंट फॉर्मेट चूजिंग द डिफॉल्ट फॉर्मेटर, ठीक है, डिफॉल्ट फॉर्मेटर फॉर टू प्रिंट एंड राइट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ओके इंटीजर, ठीक है, एरर। तो यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे आपने प्रिंट का जान लिया और क्या जान लिया, प्रिंट वाला जान लिया, तीनों को जान लिया। देखो अब मुझे थोड़ा सा अलग करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा अलग करना है। जैसे मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल बना दिया, एक बार चीज बता रहा हूँ, वेरिएबल मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या डालू, वेरिएबल नाम नहीं आ रहा, बीड़े, इसे मैंने बीड़े बनाया, ठीक है, वेरिएबल का नाम, और उसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया, स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। अब बीड़े को मैं असाइन कर सकता हूँ, बीड़े को मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला आत्मा, आत्मा डाल दिया बीड़े को। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एफ एम टी मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा है, एफ एम टी डॉट डेलन का यूज करूंगा, और इसके बाद मैं वहां पे बीड़े डाल दूंगा, और मैं इसको फिर से रन करूंगा। इसका मैं बड़ा नहीं कर सकता यार, पता नहीं यार बड़ा क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, एम बी एस और आत्मा आ गया, ठीक है, आत्मा प्रिंट हो गया ना, ठीक है ना, देख लिया। तो इस तरह से भी कर सकता हूँ, पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया उसको, empty declare किया, उसके बाद फिर मैंने उसको असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब where और जो मैंने यहाँ पे ये किया colon equal to वाले में क्या डिफरेंस है? where को क्या कर सकते हैं, कैन बी इनसाइड, कैन बी यूज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ फंक्शन, दोनों पे कर सकता हूँ, और उस वाले जो colon वाला था उसको मैं कैन ओनली बी यूज इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर मैं उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन where के केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट कैन बी डन सेपरेटली, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट कैन नॉट बी डन सेपरेटली इन केस ऑफ ये, इसके केस में मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट अलग से नहीं कर सकता, मस्ट बी डन इन द सेम लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना बता दिया, वेरिएबल्स आप सीख लिए। हाँ तो वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, जैसे मैंने बताया आपको, ओके ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये वाला है ना, इसको कॉपी, इसको कट करते हैं, इसी में कट कर देते हैं, और इसको मैं अगर यहाँ पे डालू, फॉर एग्जाम्पल एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन फाउंड ए, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो क्या दिखाएगा, एरर, सिंटैक्स एरर, ठीक है, 3.1 में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकता, इसे मैंने बोला। अगर मैं यहाँ पे जो ये एम बी वाले को, इसको मैं बाहर डिक्लेयर करने की कोशिश करूं और इसको मैं रन करूं, क्या करेगा, मैं डेटा आ गया, इसका मतलब मैं चाहूं तो इसको बाहर कर सकता हूं, या चाहूं तो मैं अंदर भी कर सकता हूं। तो मैं यहां पे इसको कॉपी करके अंदर डाल देता हूं, और इसको एमबी की जगह पे सेवरी कर देता हूं, ठीक है, कुछ भी डाल दो यार, एक यहां पे डाल दिया मैंने, यहां पे स्ट्रिंग इज इक्वल टू यहां पे, इस तरह से, ठीक है। तो वेरिएबल्स भी सीख लिए। Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place. All this my